नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार जूम टेस्ट वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं इस स्मार्टफोन का जूम टेस्ट, जो कि है ओप्पो रेनो 8T। अब इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट ये फ़ोन रिसेंटली मेरे हाथ लग गया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे जूम करके देखता हूँ कितना जूम होता है। एंड जब इस फ़ोन को लेके मैंने जूम किया ना, तो ऐसे मतलब शॉक हो गया था टोटली। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे इतना जूम होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है वो देखने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, जो कि काम का है। बाकी उसके अलावा दिखावे के लिए दो और सेंसर आपको मिल जाते हैं, जो कि किसी भी काम के नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा जूम करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोजअप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो फिर आप माइक्रोस्कोप कैमरा को यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये किसी भी काम का नहीं लगा है। ठीक है, एंड फ्रंट की बात करी जाए तो वहाँ पर दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो चलिए करते हैं इस स्मार्टफोन का जूम टेस्ट एंड देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसा आउटपुट आता है। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा है, कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं है, टेलीफोटो भी नहीं है, तो 1x में ही है। चलिए एक फ़ोटो लेते हैं। 1x के बाद आगे बढ़ते हैं, करते हैं 2x। एंड जो भी होगा डिजिटल जूम ही होगा। 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, एक फ़ोटो लेते हैं। एंड जो बिल्डिंग दिख रही है उसी पर हम फोकस करेंगे। थ्री एक्स कर लेते हैं, ओके एक फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ठीक लग रही है अभी यहाँ पे, ठीक है एक फ़ोटो ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे टैप करके। आगे बढ़ते हैं, करते हैं 5x एंड लेते हैं एक फ़ोटो एंड इसे देखते हैं हम। लेट्स सी आउटपुट किस तरह का है। तो बेकार आउटपुट बोलूँगा मैं, क्लियर नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो मतलब 5x में ही आप देख सकते हैं कि क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है। फोटो यहाँ पे लेते हैं, इसको देखते हैं। एंड बहुत स्लो काम कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं, ये इतना पास है उसके बावजूद क्लियर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी हो तो मैक्सिमम यहाँ पे आप सिर्फ 6x तक ही जूम कर सकते हैं एंड देख ही सकते हैं किस तरह की क्वालिटी वगैरह है। एक फ़ोटो लेते हैं, बट जो डिजिटल जूम है ना वो भी काफ़ी कम है। एंड मैं तो बोलूँगा कि जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी बेकार है एंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं है आउटपुट। तो कुछ और फोटोज लेते हैं हम एंड देखते हैं। ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं, इतना क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं जूम आउट कर देता हूँ। सो दिस इज़ 1x एंड दिस इज़ 6x। ठीक है, ठीक है, चलिए वीडियो में चले जाते हैं एंड यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड 1080 पिक्सल का ही ऑप्शन है, 60fps भी यहाँ पे नहीं मिलता है आपको। एंड सबसे पहले ऑटो फोकस देखते हैं। तो ऑटो फोकस तो हो रहा है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं, ये 2x डिजिटल जूम करा है वीडियो में एंड ठीक ठाक ही बोलूँगा मैं आउटपुट, कोई इतना खास नहीं है यहाँ पे, काम चला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 3x जूम किया है एंड अभी से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ दिखने लगा है यहाँ पे, तो बेकार बोलूँगा मैं, बेकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो में भी मैक्सिमम आप 6x तक जूम कर सकते हैं एंड क्लियर यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ पता चलेगा बिल्डिंग्स वगैरह है। तो कैमरा के मामले में तो इसका जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी बेकार। शायद ही कोई ऐसा फ़ोन होगा इतने बजट में जिसका परफॉर्मेंस इतना बेकार हो।
ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पे कितना ज़्यादा जूम कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि इसका जो जूम है ना वो देख के मैं शॉक हो गया था, एंड आई एम श्योर कि रिजल्ट देखने के बाद आप भी शॉक हो गए होंगे। तो 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, बट यहाँ पे डिजिटली सिर्फ 6x तक जूम है, एंड वीडियो में भी उतना ही जूम है, एंड जो जूम की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी बेकार है। तो मतलब ओप्पो ने इस फ़ोन में कैमरा के साथ क्या किया मुझे पता नहीं है, दिखावे के लिए दे दिया है, बाकी प्रोसेसिंग वगैरह भी काफ़ी स्लो है इस फ़ोन का, तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है मेरी तरफ से। बाकी आपके पैसे हैं, आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते। अब इससे बेटर ऑप्शन की अगर बात करी जाए तो Realme 10 Pro Plus देख सकते हैं, 25,000 में आता है, इससे बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, बेटर कैमरा मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली कर्व डिस्प्ले का शौक है तो आप वो फ़ोन ले सकते हैं। तो बस अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हुआ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।